आप अक्सर अपने लाइफ में कहते हैं मान लो या मान लीजिए, लेकिन क्या आप जानते हैं मान लो या मान लीजिए की इंग्लिश क्या होगी? हो सकता है कि आप सोच रहे हो सपोज दैट, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मान लो या मान लीजिए की इंग्लिश सपोज, सपोजिंग और लेट इट बी होता है। लेकिन इन सभी में कुछ फर्क है। जहां आप सपोज और सपोजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप लेट इट बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखें मान लीजिए या मान लो के लिए कब आप बोलेंगे सपोज या सपोजिंग और आप कब बोलेंगे लेट इट बी। आइए सबसे पहले सपोज या सपोजिंग का कंसेप्ट समझें। अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिले जहां लिखा हो मान लीजिए कि, उसके बाद दिया हो एक क्लॉज, फिर लिखा हो कॉमा, फिर दिया हो एक क्लॉज, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां लिखा है मान लीजिए कि अगर वो आपकी मदद ना करे तो क्या होगा। यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बोला मान लीजिए कि, उसके बाद मैंने बोला एक क्लॉज, फिर मैंने दिया कॉमा, उसके बाद मैंने बोला एक क्लॉज। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप मान लीजिए कि के लिए आप सपोजिंग या सपोज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि सपोजिंग वाले सेंटेंस को दो तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। पहला तरीका ये है कि आप पहले क्लॉज में लिखेंगे सेकेंड फॉर्म और दूसरे क्लॉज को उड के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, और दूसरा तरीका ये है आप पहले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे क्लॉज में विल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कौन सा तरीका आप कब अपनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ ऐसा सपोज कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा मान रहे हैं जो सिर्फ एक कल्पना है, जो हकीकत नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप पहले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में उड के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहाँ वो काम होना मुमकिन है, यानी वो एक इम्पॉसिबल वर्क नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे सेंटेंस में विल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो मान लीजिए कि आज रात बारिश होगी तो आप क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सपोजिंग इट रेन्स टुनाइट व्हाट विल यू डू, यानी मान लीजिए कि आज रात बारिश होगी तो आप क्या करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे सेंटेंस को विल के मदद से ट्रांसलेट किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बारिश का होना पॉसिबल है, हो सकता है कि बारिश हो, यह एक इम्पॉसिबल वर्क नहीं है। मान लीजिए कि मरे हुए जी गए तो क्या होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सपोज द डेड केम बैक टू लाइफ व्हाट वुड हैपन, यानी मान लीजिए कि मरे हुए जी गए तो क्या होगा। यहाँ आपने देखा कि मैंने अपने सेंटेंस में कुछ ऐसा माना जिसका होना मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले पार्ट में इस्तेमाल किया सेकेंड फॉर्म जो है केम और दूसरे क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने बोला वुड। मान लीजिए अगर वह आएगा तो आप क्या जवाब देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सपोजिंग ही कम्स व्हाट विल यू से, यानी मान लीजिए अगर वह यहाँ आएगा तो आप क्या कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने पहले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे क्लॉज को विल के मदद से ट्रांसलेट किया। मान लो कि तुम एक शेर होते तो तुम क्या करते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सपोजिंग यू वर अ लायन व्हाट वुड यू डू, यानी मान लीजिए कि अगर आप एक शेर होते तो आप क्या करते। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने पहले हिस्से में लिखा वर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के सेंटेंस में आप लिखेंगे सेकंड फॉर्म। तो हो सकता है आप सोचे कि मैंने यहाँ पर वर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेरे सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी कोई एक्शन वर्ड नहीं है जिसमें मैं सेकंड फॉर्म लगाऊं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया। आइए फ्रेंड्स अब सीखें कि मान लीजिए कि के लिए आप लेट इट बी का इस्तेमाल कब करेंगे। मान लीजिए कि के लिए आप लेट इट बी का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में दो क्लॉज न हो, यानी एक ऐसा सेंटेंस हो जहां लिखा हो मान लीजिए कि, उसके बाद सिर्फ एक क्लॉज हो,
जैसा कि मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल्स में बताया, जैसा कि आपने पिछले सेंटेंसेस में देखा, वहाँ पहले आ रहा था मान लीजिए कि, फिर एक क्लॉज, उसके बाद कॉमा, फिर एक क्लॉज। लेकिन अगर आप ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहाँ आप कह रहे हैं मान लीजिए कि, उसके बाद आप सिर्फ एक क्लॉज बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि के लिए कहेंगे लेट इट बी। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट इट बी अ सर्कल, यानी मान लीजिए कि यह एक सर्कल है। अगर आपको कहना हो मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगुलर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट इट बी अ ट्रायंगुलर। मान लीजिए कि यह एबीसी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट इट बी एबीसी। मान लीजिए कि यह झूठ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट इट बी लाई। मान लीजिए कि यह सच है, लेट इट बी ट्रू। मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, यानी यह एक पॉइंट है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट इट बी अ पॉइंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि मान लीजिए या मान लो कि वाले सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।